इधर राष्ट्रीय सहारा के देहरादून संस्करण ने अपनी स्थापना की 12वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अतिथि संपादक की भूमिका निभाई और अपना महत्वपूर्ण सुझाव राष्ट्रीय सहारा के मंच से साझा किया। इस अवसर पर सहारा इंडिया परिवार के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गौतम सरकार भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। राष्ट्रीयता, कर्तव्य व समर्पण के ध्येय वाक्य के साथ शुरू हुआ राष्ट्रीय सहारा के देहरादून संस्करण ने आज अपनी स्थापना की 12वीं वर्षगांठ मनाई। वर्ष 2007 में राष्ट्रीय सहारा का उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से प्रकाशन शुरू हुआ था। तब से अब तक राष्ट्रीय सहारा ने उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर जनमानस का ध्यान केंद्रित करने में अपनी खास भूमिका निभाई है। आज राष्ट्रीय सहारा दैनिक के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। साथ ही सीएम ने राष्ट्रीय सहारा अखबार के अतिथि संपादक की भूमिका भी निभाई। राष्ट्रीय सहारा दैनिक के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे और सहारा के अतिथि संपादक के रूप में खबरों के महत्व पर अपनी बेबाक राय रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय पत्रकारिता में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमें नकारात्मक पत्रकारिता से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि खेती किसानों की खबरें अखबारों से गायब हैं, जो चिंता की बात है। साथ ही पत्रकारिता को अपनी रचनात्मक भूमिका से दूर नहीं रहना चाहिए। राजनीति और पत्रकारिता और विशेषकर जो रचनात्मकता है, वो अगर सामंजस्य रहे तो हम बहुत कुछ समाज को दे सकते हैं। कई बार प्रिजुडियसली एक नकारात्मक रुख होता है, कई बार सकारात्मक भी होता है। तो मैं सोचता हूं सदा सकारात्मक, हर बात पे सकारात्मक वो भी उचित नहीं है, और हर बात पे छिद्रान्वेषण करना यानी कि नकारात्मक पत्रकारिता करना वो भी ठीक नहीं है। राष्ट्रीय सहारा के कार्यक्रम में अतिथि संपादक बनकर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारिता के जीवन में अपने अनुभव को भी साझा किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्रीय सहारा राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित रहा है और राष्ट्रीय सहारा समाज में अपनी भूमिका निभाता आ रहा है। सीएम रावत ने कहा कि किसी भी खबर को कोई पाठक पढ़ता है तो उसे अखबार पर पूरा भरोसा होता है, और मेरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय सहारा पाठकों के इस भरोसे को बनाए रखेगा। साथ ही राष्ट्रीय सहारा दैनिक के 12 वर्ष पूरे होने पर सीएम ने सहारा ग्रुप को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय सहारा उत्तराखंड के देहरादून संस्करण की 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सहारा मीडिया ग्रुप श्री गौतम सरकार जी, ग्रुप एडिटर श्री मनोज तोमर जी, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग श्री जीएन सिंह जी, यूनिट हेड श्री मृदुल बाली जी, संपादक देहरादून श्री जितेंद्र नेगी जी, ब्यूरो चीफ सहारा समय टीवी नेटवर्क सुश्री ज्योत्सना जी, देहरादून संस्करण के 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सहारा निरंतर सबका सहारा बना रहे ऐसी कामना करता हूं। आज मुझे यहां पर अतिथि संपादक के रूप में आपने मौका दिया है। बहुत लंबे समय के बाद मैं समझता हूं कि 1989-90 में और थोड़ा 91 में भी कुछ दिन मैंने लेखन कार्य किया था, एक साप्ताहिक पत्र के संपादन का काम किया था। बहुत बधाई है, 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप लोग जिस तरह से कवर कर रहे हैं और अच्छा कवर करें, पूरे स्टेट को कवर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पूरे खबर अगर राज्य की बढ़नी है तो एक साथ मिल जाती है, तो बहुत शुभकामनाएं। हम लोग निश्चित रूप से किसी लेखक का अपना भी विचार होता है, अपनी भी सोच होती है, हर किसी की अपनी सोच होती है,
वो सोच कहीं ना कहीं कभी कभी शब्दों का रूप ले लेती है, वो ठीक है, लेकिन रचनात्मक पत्रकारिता कैसे हो सकती है, ये जरूर इसका एक हिस्सा बनना चाहिए हमारे समाचारों का। क्योंकि मैंने कहा कि जब हम कोई चीज लिखते हैं तो प्रथम दृष्टया पढ़ने वाला उस पर विश्वास 100% करता है, इसलिए वो विश्वास कायम रहे वो बहुत जरूरी है, उस विश्वास को कायम करने में सहारा सफल रहेगा, ऐसी मेरी कामना है। इस मौके पर सहारा मीडिया इंडिया के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री गौतम सरकार ने मुख्यमंत्री रावत का स्वागत किया और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का धन्यवाद किया। On the occasion of 12th anniversary of Dehradun unit, on behalf of Sahara News Network, Sahara India Parivar and specially Dehradun team, sir, I would like to convey our heartfelt thanks and gratitude to you for giving us time and giving us your valuable advice and guidelines and also a new direction towards journalism, sir. Sir, Sahara News Network, we have Hindi daily and Urdu newspaper. Together we have more than 45 editions throughout Pan India, with 7 news channels and 2 of them are national news channels. Sir, our respected Chief Guardian Sahara Shri ji has never taken this as a business. He always felt that it is his national responsibility towards the nation and he's taken it as a mission, sir. And that's the instruction and guidelines he's given us with which we have gone these days and we are looking forward for the next few years, sir. And with your guidelines and with your presence, sir, I'm 100% sure our team is highly motivated to take this newspaper on the topmost height, sir. Thanks once again, sir. And I, from the behalf of the team, sir, I am really grateful for your presence. इस अवसर पर राष्ट्रीय सहारा के समूह संपादक श्री मनोज तोमर, वाइस प्रेसिडेंट श्री जीएन सिंह, उत्तराखंड संस्करण के यूनिट हेड श्री मृदुल बाली, स्थानीय संपादक श्री जितेंद्र नेगी, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ ज्योत्सना भी मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून।